सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और टॉपिक है हमारा समास। समास में बेटा आज हम तीसरा समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानश्च तत्पुरुष है। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है, यानी इस समास में उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। इस समास में उत्तर पदार्थ, पदार्थ यानी पद के अर्थ की, उत्तर पद के अर्थ की क्या होती है? प्रधानता होती है। यथा जैसे गंगा जलम आनये, गंगा जलम आनये, गंगा यानी गंगा का जलम यानी जल, आनये यानी लेकर आओ, यानी कि गंगा जल लाओ। तो इसमें उत्तर पद, पहला पद तो ये गंगा हो गया, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद क्या हो गया? जल। तो किसकी प्रधानता है? जल की। गंगा जल मंगवा रहे हैं ना, गंगा तो नहीं मंगवा रहे, गंगा जल मंगवा रहे, इसलिए प्रधानता किसकी हुई? इस जल की हुई, ठीक है। इसलिए ये तत्पुरुष समास कहलाया। इस समस्त पद हो गया गंगा जलम, यानी गंगा या जल, ये इसका क्या हो गया? विग्रह, गंगा का जल। तो गंगा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, कारक्षण कार है, इसलिए षष्ठी एकवचन में आयाह प्रत्यय लग जाएगा और आयाह प्रत्यय में गंगायाह जलम, ये इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस ये समास पद हो गया, ये समास विग्रह हो गया। तो इसमें किसकी प्रधानता हुई? उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हुई, ना कि ऐसे तो कह नहीं सकते कि गंगा लेकर आओ, गंगा जल लेकर आओ, ठीक है। तो यहाँ पर जल की क्या हुई? प्रधानता। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, ये मैंने पहले ही आपको फ्लोचार्ट के माध्यम से समझा दिया है। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद में भिन्न भिन्न विभक्तियां होती है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? कि इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद में भिन्न भिन्न विभक्तियां होती है, यानी कि या फिर हम ये कहें कि इस समास में, व्यधिकरण तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग विभक्तियां होती है, या फिर द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब बेटा देखो, यहाँ द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक, द्वितीय तत्पुरुष समास यानी कि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और हिंदी अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति के कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। अब देखो बेटा, समस्त पद है हमारा सुख प्राप्त, सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त, किसको प्राप्त? सुख को प्राप्त। तो कारक चिन्ह क्या गया है? को, कर्ता ने कर्म को, यानी कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। किसको प्राप्त? सुख को। तो इस सुख में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, और समास विग्रह हो जाएगा सुखम प्राप्त है, सुखम प्राप्त है, ये इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। अगला उदाहरण है हमारा हरि प्राप्त है, तृतीय तत्पुरुष हरि प्राप्त है, हरि प्राप्त है यानी हरि से रक्षित, प्राप्त का अर्थ होता है रक्षा करना। तो किससे? हरि से। हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग शब्द है, आपको मालूम ही है। तो हरि से, तृतीय यानी से द्वारा, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग में तृतीय एक वचन में क्या हो जाएगा? हरिणा। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा हरिणा प्राप्त है, यानी कि हरि के द्वारा रक्षित, ठीक है। उसके बाद है अगला उदाहरण, युग दारू, युग दारू चतुर्थी तत्पुरुष यानी युग के लिए युग दारू, ठीक है, चतुर्थी तत्पुरुष समास में। तो युग शब्द अकारांत हो गया, और अकारांत पुल्लिंग शब्द में चतुर्थी एक वचन में आय प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इसका समास विग्रह हो जाएगा युपाय दारू। उसके बाद है अगला समास चोर भयम, क्या है? चोर भयम
यानी चोरों से भय। तो चोरों से भय अगर डर लगेगा, तो चोरों से भय यानी डर लगेगा तो उसी से अलग होंगे। तो से अलग होने के अर्थ में कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है? पंचमी विभक्ति का, ठीक है। चोर भयम, तो से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किससे अलग होने के अर्थ में? से अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ चोर भयम, चोर से डर, भय का अर्थ होता है डर, तो चोरों से डर रहे हैं, तो चोर में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? पंचमी विभक्ति लग जाएगी। तो चोर शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया और पंचमी विभक्ति में प्रत्यय लगा हुआ है आ, तो क्या हो जाएगा? चोरात भयम, चोरात भयम, ठीक है। चोरात भयम, चोरों से, चोर से डर। अगला है आत्मज्ञानम, आत्मज्ञानम, आत्मसब यानी षष्ठी तत्पुरुष, आत्मा का ज्ञान। तो आत्म शब्द षष्ठी एक वचन में क्या आ जाएगा? आत्मन, आत्मन षष्ठी एक वचन में आ जाएगा आत्मन ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान, ठीक है। आत्मन ज्ञानम यानी आत्मा का ज्ञान। सप्तमी तत्पुरुष अक्ष धूर्त, अक्षेसु धूर्त यानी कि अक्ष यानी कि पासों को फेंकने में चालाक, तो में कारक चिन्ह आ गया इसलिए इसमें अक्ष में, ठीक है। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगा देंगे? सप्तमी। तो वाक्य कैसा है? अक्षेशु धूर्त यानी कि बहुवचन का है, तो सप्तमी बहुवचन में प्रत्यय लगा हुआ है एशु, तो क्या हो जाएगा? अक्षेशु अक्षेशु धूर्त, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। इसके आगे समानाधिकरण तत्पुरुष, और उस समानाधिकरण तत्पुरुष में कौन कौन से समास आ रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।